हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम चैनल। और देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका रिवाइज सिलेबस, जो क्या कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो आपके डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है टीचर्स, अगर वो चाहें पढ़ाना तो वो पढ़ा सकते हैं, बट उससे कोई किसी तरह के क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। फॉर नॉलेज पर्पज़ अगर किसी चैप्टर से कोई कॉन्टेंट आपका यूजफुल है तो वो पढ़ाया जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है टीचर्स पर। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का मैं बता रही हूँ आपको, जिसका कोड नंबर है 028। और यहाँ से आपके कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, आपकी टू बुक्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क और सेकंड आपके पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहां से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, यहाँ से आपका जो फर्स्ट चैप्टर वो आपको करना है, सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है आपका, ठीक है। तो नाम आप देखते जाइए, फिफ्थ चैप्टर जुडिशरी है, सिक्स है लोकल गवर्नमेंट्स है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं। और पॉलिटिकल थियोरी में देखिए, तो आपके पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, राइट्स है, डेवलपमेंट है, ये सारी करने हैं। और बाकी तो एनसीईआरटी की बुक्स आपको बताई हैं, जो आपकी बुक्स लगती हैं। उसके बाद देखिए, वेटेज ऑफ कॉन्टेंट की, कितने चैप्टर से कहाँ से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, 30 मार्क कॉन्टेंट यहाँ से, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से 12 मार्क्स, मतलब यहाँ से, और द लेजिस्लेचर्स को दोनों को मिला के, द एग्जीक्यूटिव और आपका जो जुडिशरी है वहाँ से आपका 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और लोकल गवर्नमेंट से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल यहाँ से 40 मार्क्स का कंटेंट आपका बनेगा। फिर आपका देखिए, नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल थियोरी, जो सेकंड बुक है आपकी पार्ट बी, यहाँ से आपको जो चैप्टर्स प्रिपेयर करने वो ये हैं, और ये डिलीट नहीं हुए, बाकी जो इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो आपके डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन यहाँ से 4 मार्क्स का, फिर आपका लिबर्टी है यहाँ, लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों को मिला के 15 मार्क्स का बनेगा, जस्टिस एंड जो राइट्स चैप्टर है वहाँ से 15 मार्क्स का आएगा, और जो नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट वहाँ से आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा। तो इट मीन्स दोनों बुक्स को मिला के आपके 80 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन जो आपका है पेपर वो बनेगा। इसके बाद देखिए, 20 मार्क्स तो आपको पता है आपका इंटरनल असेसमेंट रहता है, जिसमें आपको कुछ भी जो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह है वो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा स्कूल से। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हो। तो नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री, और यहाँ से हम देख लेते हैं क्या सिलेबस जो है वो सीबीएसई ने ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो क्या चेंज किए हैं। तो ये आपका रिवाइज सिलेबस है क्लास 11th का हिस्ट्री का। तो देखिए, फर्स्ट जो है थ्योरी पेपर, इसके देख लेते हैं। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का यहाँ से बनता है। और देखिए, थीम जो है यूनिट 1 से, यहाँ पे आपका जो सेक्शन ए है अर्ली सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये जो सेक्शन ए है यहाँ से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट चैप्टर देखिए साफ लिखा है, डिलीटेड फॉर द सेशन 2020 to 2021। इट मीन्स सिर्फ ये इस ईयर के लिए जो है, पर्टिकुलर ईयर के लिए, जब तक कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ये चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। सेकंड चैप्टर ये दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये आएगा आपका, ठीक है। थर्ड चैप्टर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन बी है एम्पायर्स करके, इसमें देखिए यहाँ से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन से। और सेक्शन बी में तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए, तो चैप्टर थर्ड आ रहा है आपका चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव, जिसमें से चैप्टर थर्ड आपको करना है, फोर भी करना है, बट जो फाइव वाला है वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। डिलीटेड लिखा है फॉर द सेशन 2022-2021, इट मीन्स ये नहीं आएगा। सेक्शन सी पे आ जाइए, तो ये है चेंजिंग ट्रेडिशंस, और ये आपके 20 मार्क्स क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ पे आपके 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, 7 और 8, ठीक है। 6 आएगा आपका, 7 भी आएगा, मगर जो 8 है वो डिलीट कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है। इसी के साथ देखिए, सेक्शन टू पे मूव करते हैं, तो पास टू मॉडर्नाइजेशन, और यहाँ पे भी 28 मार्क्स के आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ भी आपको 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, और आपको तीनों ही चैप्टर्स करने हैं, यहाँ से कोई भी चैप्टर जो है वो ओमिटेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैप वर्क का क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से लेकर 11 तक, यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे मैप वर्क में, और प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका 20 मार्क्स का होगा, जो कि आपका इंटरनल असेसमेंट के आपको जो मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से टोटल आपका रिटर्न जो होता है वो 80 मार्क्स का होगा, बाकी आपके 20 मार्क्स जब ऐड हो जाएंगे, तो ये पूरा आपका 100 मार्क्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया। इसके बाद देखिए, साथ ही नेक्स्ट आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने, किस किस चैप्टर से। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर तो डिलीट कर दिया था, अब जो सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ, वहाँ से ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आपको प्रिपेयर करने। इसके बाद देखिए, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट चैप्टर 3 जो है आपका, उसका यहाँ से आपको ये कॉन्टेंट कंप्लीट करना है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर देखिए, सेंट्रल इस्लामिक लैंड से ये वाले टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती चल रही हूँ, बस आप एक बार देखते रहिए, ताकि अब ये सारे टॉपिक्स आप मार्क भी कर लीजिए अपने बुक में, तो इनको आपको पढ़ना है। 6 चैप्टर से देखिए, द 3 ऑर्डर्स जो फोकस हैं, वहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। फिर इसके बाद 7 जो है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, वो दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिए, 8 चैप्टर नहीं दिया है, क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है इस साल के लिए। चैप्टर 9 से देखिए, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर चैप्टर 10 से डिस्प्लेसिंग इंडिगनीशियस पीपल, यहाँ से आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं।
और चैप्टर 11 से फास्ट टू मॉडर्नाइजेशन से आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए नोट भी दिया है कि कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द थीम्स दैट इज जापान एंड चाइना, इट इज एडवाइज दैट बोथ मस्ट बी टॉट इन द स्कूल्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल स्कूल में पढ़ाए जाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक टीचर्स को लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो वो पढ़ा सकते हैं, और आपको भी अगर लगता है कि कोई टॉपिक के क्वेश्चन किसी और चैप्टर से कनेक्टेड है, कोई कंटेंट रिलेटेड है, तो वो आपको भी पढ़ना है। तो ये चीज़ भी उन्होंने क्लियरली कर दिया है कि अगर किसी तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं और टीचर्स को लग रहा है तो वो पढ़ा सकते हैं, और बच्चों को भी वो पढ़ने वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखिए, देखिए अब हम स्टार्ट करें इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का सिलेबस, जो पूरा कोविड-19 की वजह से जो भी आपका डिलीट हुआ है सिलेबस। और उसके अलावा देखिए कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं आप जो आपको प्रिपेयर करने हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो 030 है। और यहाँ पे देखिए जो अगर पूरा देखा जाए पेपर, तो आपका बिल्कुल थ्योरी का आपका 80 मार्क्स होता है और प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का होता है, जो कि आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं। यूनिट्स में डिवाइडेड है आपका पूरा इकोनॉमिक्स, तो पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है, फिर कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। इसके फ्रंट में देखिए मार्क्स भी आपको दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन और जो आपका कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, यहाँ से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन से आपके 27 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। तो टोटल ये 40 मार्क्स कवर करता है आपका पार्ट ए। पार्ट बी जो है वो भी आपका 40 मार्क्स कवर करता है, और ये है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जो आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई से आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, एंड नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, यहां से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए पार्ट ए 40 और पार्ट बी जो है वो 40, तो टोटल 80 हो गया आपका। और प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपका कोई भी प्रोजेक्ट फाइल जो आपको स्कूल से मिलेगी, जो आपका वाइवा वगैरह होगा, उससे आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने समझ लिया पूरी मार्किंग स्कीम जो है। आप देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से पार्ट एक से जो टॉपिक्स हैं वो जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स से आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, यूनिट वन है इंट्रोडक्शन। तो देखिए जो भी टॉपिक्स मैं दिखा रही हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहीं से बहुत काफ़ी उम्मीद है कि यहीं से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, और बेटर होगा कि इन्हीं टॉपिक्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सीबीएसई के थ्रू आया है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट थर्ड में देख लीजिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यहाँ से कोरिलेशन क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स। देखिए यूनिट बी का भी मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छे से करने हैं कवर। देखिए प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में कौन से टॉपिक्स हैं, इसके अलावा जो टॉपिक्स का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, जिन यूनिट का नाम नहीं दिया गया, तो वो समझ जाइए कि उनको अब डिलीट कर दिया गया है। पार्ट सी वही आपका प्रोजेक्ट है जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। देखिए इसी के साथ अब हम समझते हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस, जो कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या क्या डिडक्शन हुआ है आपके 30% जो आपका सिलेबस है वो कम हो गया है। तो देखिए वन थ्योरी जो पेपर है आपका फर्स्ट पेपर वो 70 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए होता है पार्ट बी होता है। यूनिट्स में आप देखो तो आपकी फर्स्ट जो यूनिट आई है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो 35 मार्क्स का होगा, और फिर सेकंड जो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, वो 35 मार्क्स का होगा। तो आपकी दोनों बुक्स हैं वो 35 मार्क्स कैरी कर, तो दोनों ही बुक्स आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से, दोनों ही टॉपिक्स। आप देखिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, देखिए पूरा मार्किंग स्कीम यहाँ दिया गया है कहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो यूनिट वन है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यूनिट टू है द अर्थ, यूनिट थर्ड है लैंडफॉर्म्स, यूनिट फोर है क्लाइमेट, यूनिट फाइव है वाटर ओशंस, यूनिट सिक्स है लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, इट मीन्स उसको उन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। ये सारे के सारे आपको 30 मार्क्स यहाँ पे देंगे, और यहाँ से देखिए मैप एंड जो डायग्राम है वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो इट मीन्स पूरा 35 मार्क्स यहाँ कवर हो गया। फिर इसके बाद देखिए यूनिट वन देखा जाए इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे यूनिट वन जो है इंट्रोडक्शन है, यूनिट टू है फिजियोग्राफी, यूनिट थर्ड है क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल, और इसके बाद है मैप एंड डायग्राम जो 5 मार्क्स का होगा। बाकी यूनिट 1, 2, 3 जो मेंशन की गई है उस वहाँ से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं वो समझ जाइए कि वो हटा दिए गए हैं। टोटल फिर इसके बाद देखिए यूनिट्स अगर आप सी में पार्ट में आओ तो ये प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट वन है यहाँ पे, जो कि आपका पूरा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। यूनिट वन है इसमें फंडामेंटल ऑफ मैप्स, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे आपके लिए। यूनिट टू जो है टॉपोग्राफिक एंड वेदर मैप्स, ये आपको 10 मार्क्स देंगे। इसके साथ ही प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक एंड जो वाइवा आपके मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट के, पूरा ये
आपको, तो ये आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो देखिए ये हमने समझ लिया है पूरा का पूरा आपका मार्किंग स्कीम, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद ही देखिए कोर्स कंटेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मेंशन किए गए हैं। और देखिए ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं सीबीएसई के थ्रू, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं इन चैप्टर से। तो फर्स्ट है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं अच्छे से। फिर द अर्थ है, तो इसमें से आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये काफ़ी सारे टॉपिक्स बहुत कॉमन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। फिर देखिए लैंड फॉर्म्स दिया है यूनिट 3 में, यूनिट 4 है आपका क्लाइमेट एटमोसफेयर है, प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया गया है, यूनिट 5 में वाटर ओशंस के बारे में आपको कंप्लीट करना है। फिर है लाइफ ऑन द अर्थ, यहाँ पे आपको बायोस्फीयर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में प्रिपेयर करना है। साथ ही देखिए मैप वर्क जो है ऑन आइडेंटिफिकेशन फीचर्स बेस्ड ऑन जो 1 से लेकर 6 यूनिट्स तक जो भी मैप वर्क प्रोवाइड किया गया चैप्टर के बीच में, जो भी आपके टीचर्स ने बताया है, तो वो आउटलाइन फिजिकल और पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड आपका यहाँ से आएगा, जिसमें आपको लोकेट करना पड़ेगा। पार्ट बी में है, पार्ट बी है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो लोकेशन स्पेस रिलेशन है, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड, ये प्रिपेयर करना है। यूनिट 2 फिजियोग्राफी प्रिपेयर करना है, आपको ड्रेनेज सिस्टम है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बेसिन है जो कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ था कुछ इसके बारे में। यूनिट 3 जो है वो क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करें। और यहाँ से भी आपका देखिए इन 3 यूनिट से रिलेटेड मैप वर्क आ सकता है, और आपको लोकेट करना है और लेबल करना है ऑन आउटलाइन पॉलिटिकल और फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो एक बार आपको वर्ल्ड वाइड मैप मिलेगा और एक आपको पॉलिटिकल और फिजिकल मैप ऑफ इंडिया मिलेगा। इसके साथ ही देखिए पार्ट सी जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है ज्योग्राफी पार्ट 1 का, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ मैप्स, तो ये देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको प्रिपेयर करने हैं आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। टॉपोग्राफिक एंड वेदर मैप्स, देखिए ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, तो ये आप इनमें से आप कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो, आपको सभी के सभी यहाँ पे जितने भी मैंशन ही करने हैं। इसके साथ ही जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक और वाइवा हुआ से जो भी है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। देखिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपना आपका इंग्लिश कोर का कोड नंबर 301 जो है इसका सब्जेक्ट का, क्लास 11th का पूरा जो सिलेबस, क्या आपके डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स को किस तरह का मार्किंग स्कीम का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है पार्ट ए और ये 40 मार्क्स पूरा कंटेन करता है। इसके साथ ही पार्ट बी जो है वो भी 40 मार्क्स, तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं पूरे पेपर में। तो देखिए फर्स्ट जो है वो रीडिंग पैटर्न होगा आपका, रीडिंग पोर्शन, और यहाँ से देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन 1 अनसीन पैसेज टू एसेस कॉम्प्रीहेंशन। और यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 10 into 1 10 मार्क्स के होंगे, यानी 10 क्वेश्चंस होंगे 1 1 मार्क्स के, 18 मार्क्स पूरा कवर करता है रीडिंग पोर्शन आपका। फिर सेकंड देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन 1 अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, और यहाँ से भी आपका 8 into 1 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ ही देखिए याद रखिएगा जो पैसेज आएगा उसका जो वर्ड लिमिट होगा वो 600 to 750 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद ग्रामर पोर्शन देखें तो ये 8 मार्क्स कवर करता है, और यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑन गैप फिलिंग, जिसमें डिटरमिनर्स और टेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑन रीऑर्डरिंग एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ दी 10 गिवन, ठीक है, 10 क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करने, तो 1 1 मार्क्स के 8 मार्क्स का आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। लिटरेचर सेक्शन में देखें तो 14 मार्क्स ये कवर करेगा, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम हॉर्नबुल जो आपकी बुक है वहाँ से, और यहाँ पे भी आपको एनी 1 out of 2 extracts टू बी डन, ठीक है, 2 extracts दिए होंगे उसमें से आपको सिर्फ एक करना होगा जो भी आपको आता होगा अच्छे से, और 3 into 1 is equal to 3, तो 3 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 prose extracts आउट ऑफ द 3 गिवन, आपको 3 दिए होंगे फ्रॉम प्रोज, और यहाँ पे देखिए हॉर्न बिल एज वेल एज स्नैपशॉट्स से आपको ये टॉपिक्स आएंगे, 6 into 1 यानी 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 6 टू बी डन, ठीक है, और 5 into 1 आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। पार्ट बी जो है वो आपका 40 मार्क्स कवर करता है, यहाँ पे देखिए रीडिंग सेक्शन जो है वो 8 मार्क्स आपको देगा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बनता है नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन अ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 words, यहाँ पे आपको नोट मेकिंग आना चाहिए जो आपको 5 मार्क्स देगा। और देखिए टाइटल का 1 मार्क होता है, नंबरिंग एंड आइडेंटिटी का वन मार्क होता है, की और ग्लॉसरी का 1 मार्क होता है, नोट्स का 2 मार्क्स होता है, तो इस तरह से 5 मार्क्स कवर करता है। समरी जो है अप टू 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, और ये 3 मार्क्स आपको देगा, कंटेंट 1 होता है, एक्सप्रेशन 1, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका राइटिंग सेक्शन आ रहा है जो कि 16 मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे फर्स्ट है आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क जो कि नोटिस राइटिंग अप टू 50 वर्ड्स है, और 1 of the 2 given questions टू बी आंसर, ठीक है, और ये 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड करेगा, और ये भी एक पोस्टर होगा अप टू 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आ रहा है लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, और ये आपको सिर्फ जो वर्ड्स का ध्यान रखिएगा खासकर 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है, और ये आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो राइटिंग कॉम्पोजिशन है बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल,
इनपुट्स इन, और ये आपको जो है 122 से 150 वर्ड्स में लिखना है। स्पीच होगा, डिबेट होगा, ठीक है, उस टाइप से। और ये 5 मार्क्स आपको देगा। लिटरेचर सेक्शन देखें तो 16 मार्क्स कवर करता है, और इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे, वो एक आएगा आपका प्रोज से और एक आएगा आपका पोएट्री से, ठीक है, फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। और आउट ऑफ 4 जो है इसमें से आपको आंसर करने 30 से 40 वर्ड्स में, और यहाँ पे आपका 2 × 2 4 मार्क्स कवर होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड करता है। 1 शॉर्ट आंसर आएगा, टाइप क्वेश्चन आएगा आपका प्रोज से, स्नैपशॉट से, और 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज और आपका पोएट्री से, यहाँ से आपका हॉर्नबिल से आएंगे क्वेश्चन, और ये आपको 120 से 150 वर्ड्स में आंसर देना है क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और 1 × 5 आपको 5, क्योंकि एनी 1 out of 2 क्वेश्चन, आपको 2 दिए होंगे क्वेश्चन जो आपको अच्छा से आता हो, वो आपको इसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपके 1 क्वेश्चन आप करेंगे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, अगर आपने पूरा अच्छे से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो आपके आपका स्नैपशॉट्स बुक से आएगा, और 120 से 150 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको एक ही करना है, और ये भी आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है रिलेटेड टॉपिक्स। आप देखिए जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हाईलाइटेड करे गए हैं वर्ड्स, यहाँ से आप समझिए कि इन टॉपिक्स से आपका कोई भी कॉन्टेंट नहीं आएगा। तो राइटिंग है देखिए यहाँ पे, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स ये नहीं आने वाला है, लेटर्स टू द एडिटर ये नहीं आएगा आपका, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद अ बायोडाटा और रिज्यूमे, और इसके बाद देखिए आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग नैरेटिव। तो ये सारे जो राइटिंग पोर्शन है वहाँ से ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, तो इनको आप मत प्रिपेयर करिएगा। और जो देखिए ग्रामर से भी आपके मॉडल्स हैं, क्लॉजेस हैं, चेंज ऑफ वॉइस है, एरर करेक्शन है, एडिटिंग टास्क है, क्लॉज पैसेजेस हैं, इनको भी हटा दिया गया है। लिटरेचर से आपका जो हॉर्नबिल है वहाँ से आपका फादर टू सन, और जो आपके द एडवेंचर है ये हटा दिया गया है। स्नैपशॉट से आपका द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी ये हटा दिया गया है। इसके बाद तो आपकी बुक्स मेंशन की गई है, जो एनसीईआरटी की बुक्स आपके कोर्स में पूरे के पूरे सिलेबस में लगती हैं वो आपका बताया गया है। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा जो आपके सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।